सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, यहाँ वर्जन 1.2 के जो हमारे पास हिडन फीचर्स आए हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ आज वाली वीडियो में। सो गाइज, आज वाली वीडियो को शुरू अंत तक देखना, वीडियो अच्छी लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट कर देना। और रात को भी सबसे पहले अपडेट की न्यूज़ मैं दे चुका था। सो गाइज, भाई पूछ रहा था कि अपडेट में कुछ खास नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें आई यार। 7 न्यू बारिंग एक्शन ऐड हुए, एनिमेशन, कर्सीन्स और भी बहुत कुछ ऐड किया गया। और गाइज, एक लॉबी भी बना सकते हैं हम खुद से अपने लिए, उस पर हम बात करेंगे बाद में। सो गाइज, अपने लिए हम यहाँ से लॉबी बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है वो रुपीज लग के अनलॉक होगी। सो गाइज, यहाँ जो मैनेज फ्रेंड का फीचर है ये बहुत बड़ा फीचर है जिसमें गाइज चैलेंज या फ्रेंड गाइज फीचर ऐड किया गया है। मतलब यहाँ से हम फ्रेंड बना सकते हैं और उनको चैलेंज कर सकते हैं। सो गाइज, उसके बाद जो हिडन फीचर है पहला, उसके बारे में बात करते हैं। सो गाइज, क्विक प्ले में अगर हम जाएँ तो यहाँ हम देखते हैं कि जो अपनी जो ओवर्स की गाइज तरतीब है वो चेंज कर दी गई है। 2, 5, 10, 20, 30, 50 एक रो में कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ चूज डिफिकल्टी बहुत अजीब अंदाज में आया है। जैसे कि हमें पता है कि हम पहले WCC 2 खेलते रहे हैं और रियल क्रिकेट 20 भी खेलते रहे हैं, 21 भी खेलते रहे हैं, और 21 तो सॉरी अभी आई नहीं। सो गाइस, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि यार ये 1, 2, 3, 4, 5 दिया जाएगा। ये एक लेवल दे दिया इन्होंने, मतलब कि ईजी और हार्ड पहले आता था, मतलब कि यहाँ ऑप्शन होता था ईजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड। लेकिन गाइस अब ये 10 इन्होंने लेवल दे दिए हैं जो कि एक हिडन टाइप के तौर पर फीचर आए हैं। और उसके साथ गाइस यहाँ लिखा हुआ है चूजिंग ऑप्शन आर हार्डर डिफिकल्टी गिव्स यू द ऑप्टिमल चांस ऑफ किट्स एंड अप्रोप्रिएट लीग स्कोर, मिशन विल ग्रांट 100% प्लैटिनम। सो गाइस, अगर हम ज़्यादा डिफिकल्टी चूज करेंगे तो हमें प्लैटिनम भी ज़्यादा मिलने वाले हैं। सो गाइस, ये एक हिडन फीचर के तौर पर है, मतलब कि उन्होंने बस ये लिखा था कि डिफ़िकल्टी खुद से चूज कर सकते हो, लेकिन ये नहीं लिखा था कि यार ऐसा भी सीन हो सकता है। सो गाइस, अगर हम मैच स्टार्ट करें तो मैच स्टार्ट करते हुए भी हमें एक हिडन फीचर मिल जाता है। वो फीचर ये वाला है कि गाइस पहले यहाँ बाउंड्री लेंथ दी गई थी जो कि पिछली बार का हिडन फीचर था वजन 1 का, लेकिन गाइस उसके बाद अब यहाँ इन्होंने कर दिया कि ये मीडियम साइज का चेन्नई का ग्राउंड है, ढाका का स्मॉल साइज का है, लंदन का लार्ज साइज का ग्राउंड है, एडिलेड का भी लार्ज का है, मीडियम, स्मॉल, मीडियम, मीडियम। सो गाइस यहाँ स्मॉल मीडियम करके लिख दिया गया है, जिससे पता चल रहा है कि ये ग्राउंड किस तरह का है, ये ग्राउंड किस टाइप का है। सो गाइस, ये एक हिडन फीचर है क्योंकि इन्होंने बाहर मेंशन नहीं किया है कि हमने बाउंड्री लेंथ को कोई चेंज लाई है बाउंड्री लेंथ में। सो गाइस, ये भी एक हिडन फीचर है। उसके बाद अगर हम बात करें मैच स्टार्ट करने के बाद, इसके बाद भी एक आपको हिडन फीचर देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, हिडन फीचर ज़रूर देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, जब हम मैच रेडी करते हैं, मैच रेडी करने के बाद हमें यहाँ नज़र आने वाला है एक बड़ा सा हिडन फीचर जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, ये है बड़ा हिडन फीचर जो कि गाइस चेन्नई के ग्राउंड में गाइस अलग करके अब दिखाया जा रहा है। जो मैच स्टार्टिंग है, मैच रिप्रेजेंट टेशन है, आप देख सकते हो मैच रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दी गई है। पहले जैसे ग्राउंड के ऊपर दोनों जो हमारे होते थे कैप्टन, उनके ऐसे तस्वीरें लगा दी जाती थी, लेकिन गाइस अब की बार इन्होंने एंट्रेंस पे जो हमारे दोनों कैप्टन हैं उनको रखा है। सो गाइस, ये एक काफ़ी बढ़िया हिडन फीचर था जो कि ऐड किया गया था। और यही 3 हिडन फीचर थे जो कि गाइस इस बार की अपडेट में ऐड किए गए थे वर्जन 1.2 में। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और गाइस इसी तरह कस्टमर्स के लिए यार जरूर देखते रहना वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। सो गाइस, भाई कह रहा था कि बस कुछ भी नहीं ऐड हुआ, बस एक कटसीन ऐड हुआ है। सो गाइस, नहीं ऐसा नहीं है, अभी आप गेम खेलते जाओगे तो आपको ज़रूर नज़र आएंगे न्यू कर्सेंस और एनिमेशंस वगैरह। सो गाइस, आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।